हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ फ़िल्टर फंक्शन। ठीक है, फ़िल्टर हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं ये आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिल्ट्रेट होता है कि हम जब अपने रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करना चाहते हैं। ठीक है, फ़िल्टर हम अपने रिकॉर्ड्स को कैसे भी कर सकते हैं। फ़िल्टर का मतलब होता क्या है कि स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना अपने पूरे रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी कंपनी में कितनी अंजलि नाम की लड़कियाँ काम करती हैं। ठीक है, कितने एम्प्लॉय हैं जो अंजलि नाम के हैं और उनका सरनेम क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, ये सब जानना चाहती हूँ। ठीक है, सैलरी वगैरह कितनी है। तो मेरे पास ये एक रिपोर्ट है। ठीक है, इस रिपोर्ट में हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें पहले बता देती हूँ, ये एम्प्लॉय की आईडी है, ये एम्प्लॉय के नेम्स हैं, ये एम्प्लॉय के सरनेम डाले हैं मैंने, ये एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन है, कुछ इसमें एचआर है, कुछ मैनेजर है, कुछ सेल्समैन है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन डाल रखे हैं। ये बेसिक सैलरी है इन एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, इन बेसिक सैलरी पे मैंने 10% लगाया, जैसे मैंने बेसिक सैलरी है इंटू 10% लगाया और 10% के हिसाब से मैंने इनका डीए निकाल दिया है। एचआर निकाला है मैंने इनका 8% के हिसाब से। ठीक है, और फिर मैंने इनका निकाला है पीएफ 14% के हिसाब से, और इसमें मैंने ग्रॉस सैलरी ऐड कर दिया है। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, सॉरी चारों को हम ऐड कर देंगे, पीएफ, एचआर, डीए एंड बेसिक सैलरी। इन सबको ऐड करने के बाद मेरा ग्रॉस निकल आएगा। ठीक है, ये मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगी। फिलहाल हम लोग फ़िल्टर करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो लगाया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो लगाया। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पहले हम जाएंगे होम होम टैब में, फिर हम लोग जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में, और हम यहाँ से लगाएंगे फ़िल्टर। ओके, फ़िल्टर की शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट एल, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एल। ओके, ऐड और रिमूव फिल्टर, ऐड एंड रिमूव फिल्टर, फिल्टर को लगाने के लिए और फिल्टर को हटाने के लिए दोनों जगह यही कमांड चलेगी। ओके, ये एल है आपका, कंफ्यूज मत होना। ओके, ठीक है, चलो जो अब हमारा क्राइटेरिया था वो हम देखते हैं। इसे कलर डाल देता हूँ आपको क्लियर हो जाए। तो हमारा क्राइटेरिया था हमें अंजलि ढूंढनी है। चलो पहले अंजलि ढूंढते हैं। ठीक है, अंजलि के रिकॉर्ड्स मेरे सामने आ गए। अंजलि में बिष्ट भी है, वर्मा भी है, पटवाल भी है, राय भी है और दो वर्मा और भी हैं। इनमें दो अंजलि एचआर डिपार्टमेंट में हैं, बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर में हैं। इनकी सैलरी ये है। ठीक है, इनकी डिटेल्स ही आ गई। अब मेरे सर ने कहा कि नहीं, मुझे अंजलि वही चाहिए जो वर्मा हो। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, सरनेम में जाके अंजलि तो वही रहेगी, वर्मा चेंज कर देंगे हम, यहाँ पे वर्मा ले लेंगे। ठीक है, जो आपको चाहिए उस पर टिक रह देना, जो आपको नहीं चाहिए उस पर हटा देना। लाइक मुझे बिस्ट चाहिए तो मैं ओके कर दूँगी, दोनों आ जाएंगे। अगर बिस्ट मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ वर्मा चाहिए, तो वर्मा आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हटाना है वापस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट एल कर सकते हैं। फिलहाल अभी मुझे हटाना नहीं है। फिर मैं अपने बॉस के पास गए, तो मेरे बॉस ने बताया कि भैया अंजलि वर्मा तो हैं, बहुत सारी एचआर डिपार्टमेंट भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, उनकी सैलरी ये है, अब कैसे पता चले। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, एम्प्लॉय आईडी। एक एम्प्लॉय को एक ही आईडी प्रोवाइड की जाती है, एक एम्प्लॉय दो एम्प्लॉय को एक सेम आईडी प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये बेसिक रूल होता है। तो जब भी हम फाइंड आउट करते हैं किसी पर्सन को, तो हम उसकी आईडी पे बेस पे ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे वापस चाहिए, ये हटाना है, यहाँ से मैं क्लियर फिल्टर कर सकती हूँ, तो ये फ़िल्टर मेरे सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि मुझे कोई पर्टिकुलर आईडी, लाइक मुझे 110 पे देखना है कौन है, तो वो पर्सन हम यहाँ पे इजीली ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, 110 लिखेंगे, ओके, देन ओके कर देंगे। तो 110 पे जो पर्सन होगा, लाइक हेमा सिंह है, तो हेमा आपको नज़र आ जाएगी। इसको हटाना है, वापस करना है, तो ऑल कर देंगे हम, या क्लियर कर देंगे रिकॉर्ड्स, तो आ जाएगा आपका। ठीक है, अब समझ लो यहाँ पे कहीं कहीं पे एरर्स हुई है। लाइक मेरे सर ने मुझे बताया कि यहाँ पे तुमने एरर कर दी है, इस पे एरर हुई है आपकी, इस पे एरर हुई है आपकी। ठीक है, रिकॉर्ड्स में बीच बीच में कहीं पे हमारे एरर हुई है इस तरीके से। अब मुझे इनको सर्च करना है कहाँ कहाँ पे एरर हुई है, तो मुझे पता कैसे चलेगा किस किस रिकॉर्ड में चेंजेस करने। उन्होंने कहा इन रिकॉर्ड्स में आप चेंजेस कर दो। ठीक है, ये तो चलो छोटा डेटा पता चल रहा है, बड़ा डेटा हो तो कैसे पता चलेगा, तो हमको दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एक आता है आपका फ़िल्टर बाय कलर, कौन से कलर से आप फ़िल्टर करना चाहते हो। जैसे मुझे ये ऑलरेडी बेसिक कलर मेरा डला हुआ है, मुझे ग्रीन कलर चाहिए, सेलेक्ट किया,
ये सारे रिकॉर्ड्स आ गए। फिर जो चेंजेस आपको करना है वो आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर क्लियर करना है फ़िल्टर, यहाँ पे जाके हम लोग क्लियर फिल्टर कर सकते हैं। ओके क्लियर हुआ आप लोगों को इतना। अब हम इस फिल्टर पे थोड़े से कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है। लॉजिक्स ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं वो नंबर्स फिल्टर करने हैं हमें, किसके इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, ये सब, ठीक है। इक्वल टू लगाना मुझे किसके इक्वल हो, मुझे 110 चाहिए था ना, मुझे सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, देन ओके लगा ऑटोमेटिकली 110 आ जाएगा आपका। ओके क्लियर करना है फिल्टर, क्लियर करेंगे। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे नंबर फिल्टर के अंदर आएगा ये आपका, ठीक है। यहाँ पे मुझे चाहिए डज नॉट इक्वल टू, 110 के इक्वल टू ना हो, तो यानी 110 का डेटा छोड़ के बाकी सारा डेटा आपको शो कर देगा। चेक करना, देख लो 8 9 10 10 गायब है, 11। ओके नेक्स्ट क्या आता है मेरा यहाँ पे, क्लियर फिल्टर करना है, क्लियर फिल्टर। अब मुझे क्या चाहिए इसमें, ठीक है, जिस फिल्टर पे सर्च करना है उसी फिल्टर पे आप लगाएंगे ये सब चीज़ें। लेस देन चाहिए मुझे, ठीक है, लेस देन कितना हो आपका, 110 से नीचे के रिकॉर्ड्स हो तो ये आपको शो कर देगा। ये देखो 9 तक आ गए रिकॉर्ड्स आपके इस तरीके से। ओके यहाँ से हटाना है, क्लियर फिल्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, ये हटा देती मैं ग्रीन वाला कलर, नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, हम सिलेक्शन में जाएंगे, नंबर फिल्टर पर जाएंगे, बिटवीन वैल्यूज चाहिए मुझे यहाँ से, कहाँ से लेके कहाँ तक के रिकॉर्ड दिखा है, 105 से लेके 110 तक या 115 तक के रिकॉर्ड्स दिखा दे, शो हो जाएंगे 15 से लेके 150 तक रिकॉर्ड, ठीक है। इसको हटाना है, क्लियर फिल्टर। ऐसे आप ये सारे अप्लाई कर सकते हैं वन बाय वन, किसी को कोई दिक्कत आए तो बताना, ठीक है। कस्टम फिल्टर में जाके आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ये सारे फिल्टर आपको अंदर भी मिल जाएंगे। लेस देन इक्वल टू, ठीक है, वो उसके बराबर हो, ठीक है, या उससे छोटा हो, तो 110 भी आ जाएगा इसमें आपका, 110 से छोटे वाले भी आ जाएंगे। देखो ये रहा 110 भी आ गया, 110 से छोटे वाले भी आ गए। क्लियर किया मैंने रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब मुझे नेम पे लगाना है टेक्स्ट फिल्टर, उस समय नंबर फिल्टर चल रहे थे, इसमें टेक्स्ट का चलेगा, किसके इक्वल टू, बिगेन विथ, किस से स्टार्ट हो आपका, ठीक है। किस पे लगाया मैंने, यहाँ पे लगाना सेकेंड वाले पे, ए से स्टार्ट हो वैल्यूज, तो ओके ए से रिलेटेड सारी वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। जैसे मेरे बॉस को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको अल्फ़ाबेट याद है, ए से स्टार्ट है, तो मैं यहाँ पे उनको बता सकती हूँ कि मेरे पास कितने ए वाले हैं, शो करवा सकते हो। क्लियर फिल्टर कर सकते हैं हम यहाँ पे, अगर मुझे और टेक्स्ट फिल्टर में देखना है, या मुझे समझ लो पर्टिकुलर सरनेम ढूंढना है, लाइक मुझे स्टार्ट करना है बिगिन विद या कंटेन हो, लाइक उन्होंने विस्ट रखा हुआ हो, तो विस्ट शो कर दे सर। ये अंजलि है, क्षितिज है, दीप्ति है, अमित है, ये सारे पिस्ट है आपके, ओके। और डिपार्टमेंट भी शो कर रहा है, इनकी बेसिक सैलरी भी शो कर रहा है, सारी डिटेल आपको शो कर रहा है। तो फिल्टर का समझ में आ रहा है आप लोगों को, मतलब कि हमारे रिकॉर्ड को फिल्टर कर रहा है, जो चीज़ हमें चाहिए स्पेसिफिक वैल्यू जो ढूंढनी है वो शो करवाता है फिल्टर, ठीक है। ये हमारे सारे होते हैं, डजंट कंटेन, जो ना हो, लाइक मुझे बिस्ट नहीं चाहिए, बाकी सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, तो वो आ जाएंगे। ये देखो अब इसमें से बिस्ट हट गया होगा। अगर एक को सर्च करने का तरीका है, कंट्रोल एफ दबाओगे, फाइंड करोगे, यहाँ पे बिस्ट लिखोगे, सर्च कर लोगे। देखो वी कुड नॉट फाइंड व्हाट यू वर लुकिंग फॉर, जो आप ढूंढ रहे हो वो हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्लिक ऑप्शन एंड फॉर मोर वे टू सर्च, और तरीकों से ढूंढने की कोशिश कीजिए, नहीं है, ठीक है। क्लियर करना है, क्लियर, ओके। अब सर्च करें जरा कंट्रोल एफ करके, फाइंड, ये देखो आ गया मेरा बिस्ट। ओके बच्चों, कंट्रोल एफ होती है फाइंड की शॉर्टकट कमांड, CTRL+F, फाइंड द रिकॉर्ड कर सकते हो या डेटा कर सकते हो, ओके। डेटा, टेक्स, नंबर, किसी भी चीज़ को ये फाइंड करके दे देगा। इतना क्लियर हुआ हम लोगों का, आई होप आप लोगों को इतने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद डेजिनेशन में लगाना चाहती हूँ मैं टेक्स्ट फिल्टर, लगा सकती हूँ
कस्टम फिल्टर में जा सकते हैं, ये टेक्स के अकॉर्डिंग दे देगा, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरीके से, है ना। मुझे चाहिए एचआरए ढूंढना है, तो मैंने एचआरए लिख दिया, एचआरए आ गए सारे आपके, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये फिल्टर, अब इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप फिल्टर में ही असेंडिंग एंड डिसेंडिंग डिसाइड कर सकते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे असेंडिंग चाहिए ए टू जेड, तो ए से सारे आ गए, फिर जो बी था बी से कोई रिकॉर्ड होगा नहीं, उसको बी से ये दो है, फिर सी से नहीं है, फिर डी से है, फिर ई एफ से नहीं है, एच से है, फिर जे से है, फिर के से, ये इसने असेंडिंग और डिसेंडिंग सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ से कर सकते हो, जेड टू ए भी कर सकते हो आप, ओके। अगर मुझे फिल्टर हटाना है, सिलेक्ट करूँगी कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट एरो आपका, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एल, मेरा फिल्टर हट जाएगा, ओके। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा फिल्टर का आज टॉपिक। इस पर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये आप सब करके देख सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो फिल्टर के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग एंड नंबर्स वगैरह। क्लियर फिल्टर मैंने आपको बता दिया, इनमें से जो नहीं चाहिए उस पर क्लिक कर देना, जो चाहिए उस पर क्लिक कर देना, तो ऐसे आपको हाईलाइट हो जाएगा, उससे आप अपने रिकॉर्ड्स को ढूंढ सकते हैं इजिली। वापस हटाना हो तो हटा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा टुडे फंक्शन, ठीक है। टुडे क्या करता है, करंट डेट शो करता है आपके पीसी की। मेरी डेट में आ रहा है 8/5/2021, थर्सडे लिखा आ रहा है, गलत डेट आ रही है इसमें, तो मैं आज टुडे फंक्शन लगाऊंगी, ये शो कर देगा। समझ लो क्या होता है, कंपनी में हम लोग काम कर रहे होते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे मेरे सर ने मुझे बोला 15 डेज़ बाद तुम्हें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आज से 15 डेज़ बाद, तो मुझे जानना पड़ेगा आज से 15 डेज़ बाद कौन सी डेट है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, टुडे फंक्शन लगा सकती हूँ, ठीक है। जो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है 15 डेज़ बाद कंप्लीट होना है, तो वो डेट आ जाएगी, ठीक है। अगर मुझे जानना है कि मेरा प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, 15 डेज़ माइनस करना है, तो टुडे स्टार्ट कर सकती हूँ, माइनस कर सकती हूँ 15 डेज़, तो आज के बाद की 15 डेज़ की वो जो भी होगा डेट वो शो कर देगा। आपका स्टार्टिंग का मेरा मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, अगर मैं बात करती 15 डेज़ की, अगर आज 5 डेट है तो 15 डेज़ बाद 20 डेट होगी, ठीक है। अगर मैं -15 कर रही हूँ तो 7 मंथ में पहुँच जाएंगे हम लोग, ठीक है, और ये 21 डेट दिखा देगा आपकी, ओके। किसके हिसाब से दिखा रही है, आज की डेट के हिसाब से दिखा रहा है, इस डेट के हिसाब से दिखा रहा है, इस डेट के हिसाब से दिखा रहा है। इसमें -15 करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, +15 करोगे तो क्या आएगा, -15 करोगे तो क्या आएगा, तो वो हमने टुडे से ले लिया। तो टुडे से हम किसी भी टाइम की डेट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि 10 डेज़ बाद कितनी होगी, 15 डेज़ बाद कितनी होगी, या अगर मेरे को 15 डेज़ बैक का देखना है तो वो भी वो हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डे फंक्शंस। जैसे कि आपकी टुडे की डेट है आज की, ठीक है, और मुझे आज की डेट के हिसाब से क्या निकालना है, आपका डे निकालना है, तो मैं डे लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे सीरीज लिखा रहा, आप चाहो तो डेट सीरीज के हिसाब से, सीरियल नंबर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। फिलहाल मुझे टुडे से निकालना है, तो मैंने यहाँ पे टुडे लिख दिया, तो आज की डेट के हिसाब से जो भी डेट होगी वो निकल आएगी, ओके। ऐसी मैं मंथ निकाल सकती हूँ, मुझे नंबर्स में चाहिए ना, ये रहा 5 निकल आया, ठीक है। देखो ये आपके फॉर्मेट होते हैं, जर्नल फॉर्मेट में चाहिए, नंबर फॉर्मेट में चाहिए, करेंसी में चाहिए, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट डेट देती तो शॉर्ट डेट के हिसाब से आएगा, मैं अगर लॉन्ग डेट देती तो लॉन्ग डेट के हिसाब से आएगा। मुझे जर्नल चाहिए था क्योंकि मुझे सिंगल नंबर शो करवाना है ना, तो हम यहाँ से सिंगल नंबर शो करवा सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग नंबर चेंज करना तो वो भी कर सकते हो आप। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, जर्नल चाहिए तो जर्नल ले लिया। मंथ चाहिए मुझे, यहाँ पे मंथ निकालना है, ठीक है, क्या टुडे से, ओके, 8 निकला है। ईयर निकालना है मुझे किससे, टुडे से, निकल आया, ठीक है। और अगर डिफ़ॉल्ट निकालना चाहती मैं डे, तो मुझे यहाँ पे पूरी डेट लिखनी पड़ती डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि टेक्स्ट होता है आपका। जैसे मुझे मंथ निकालना है 8 अगस्त, 5 डेट एंड 2021, इस तरीके से,
मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मंथ निकालना है, तो मुझे पूरी डेट लिखनी पड़ती, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया आपका टुडे। ईयर निकालना है मेरा, ठीक है, क्लियर। आई होप आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ गई हो। प्रैक्टिस करना नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।